नमस्कार, आप देख रहे हैं दैंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। अगर आप लॉकडाउन के चलते कहीं फंसे हुए हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से आप अपने घर वापस आ सकते हैं। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सुविधा पर आवेदन कर आप राजस्थान में अपने घर आ सकते हैं या राजस्थान से भी अपने घर जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको आवेदन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। DOIT ने राजस्थान के निवासी जो प्रदेश में वापस आना चाह रहे हैं अथवा अन्य राज्य निवासी जो राजस्थान से अपने राज्य में जाना चाहते हैं उनके पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। इसके लिए इस दिए गए लिंक पर पंजीकरण कराया जा सकता है। ई मित्र पोर्टल पर COVID-19 माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, COVID-19 प्रवासी पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद खुलने के बाद माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस फॉर्म को निम्नानुसार भरा जा सकता है। इस लिंक पर कर सकते हैं पंजीकरण emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraapps/covid-19-migrant-registration-service। इस ईमित्र पोर्टल पर आवेदन कर आप जा सकते हैं अपने घर। आवेदन के लिए अपनानी होगी ये प्रक्रिया। सर्वप्रथम माइग्रेट मूवमेंट में अगर कोई राजस्थान में आना चाहता है तो इनवर्ड ऑप्शन का, या अगर कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो आउटवर्ड ऑप्शन का चयन करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल का मतलब है कि अगर नागरिक स्वयं के साधन से आना चाहता है तो यस पर क्लिक करें और वाहन की सूचना दर्ज करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मूवमेंट डेट में वो तारीख डाली जाएगी जिसमें वो परिवहन करना चाहता है और उसमें सरकार द्वारा बदलाव भी किया जा सकता है। सोर्स एड्रेस का मतलब होता है कि नागरिक वर्तमान में कहां पर रह रहा है। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब होता है कि नागरिक कहां जा रहा है। अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में इनवर्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको डेस्टिनेशन एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस आएगा। वहीं अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में आउटवर्ड ऑप्शन का चयन करते हैं तो सोर्स एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस आएगा।